दोस्तों ये जगह आप जो देख रहे हैं इधर आसपास में, ये जगह जबलपुर में है। भदभदा पुल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भदभदा अच्छा है और कितना देखने लायक पुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संकीर्ण रास्ता है, इसे काट करके साफ भी कर दिया गया है और रास्ता यहाँ जाने लायक बना दिया गया है। लोगों को पानी की आवाज आ रही होगी, हल्की हल्की पानी की आवाज। ये लोग भदभदा क्रिकेट खेल करके आ रहे हैं, आवाज आ रही है। भदभदा पुल रास्ता संकीर्ण लेकिन जाने में मजा है, आराम से उतरा जाए वरना गिरने की संभावना हो सकती है। देख सकते हैं भदभदा पुल, दूर से देखने से यहाँ कुछ जलाया हुआ जैसा लगता है लेकिन ये पूरा पत्थर है। और ये सुंदर नजारा आप देख सकते हैं भदभदा पुल का, और इधर भी है, इर्द गिर्द में बिल्डिंग वगैरह सब है। यहाँ ऊंचा स्थान है, इधर ही से हम लोग आए वापस। देख सकते हैं छोटी नदी है, जबलपुर का सीनरी है, जबलपुर में ही है। आसपास का सीनरी बहुत ही मन लुभाने वाली सीनरी है। उस भदभदा पुल को नजदीक से देखने के लिए गया हुआ है और उसका दीदार कर रहा है। यह है ना सुंदर जगह, आई लाइक दिस प्लेस। एरिनियस फोटो खिंचाने के लिए तैयार है। फीलिंग सो हैप्पी टुडे बिकॉज द वेदर इज सो नाइस टुडे, नाइदर सो हॉट नॉर सो कोल्ड। नर्मदा नदी में ये पुल है, ट्रैक इधर ऊपर से जाती है, आपको दिखाते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। दोस्तों जो ये रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं यह नर्मदा नदी को पार करते हुए आगे बढ़ती है, और नर्मदा नदी बहुत लंबी नदी है और इस नदी पर बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं, और ये ब्रिज पर हम लोग आए हैं, ब्रिज नंबर 404। धीरे आगे जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं नदी, नर्मदा नदी की चौड़ाई, उसकी लंबाई वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं पीछे। नर्मदा नदी के पुल पर चलते हुए उधर जो आपको दिखाई दे रहा है बगल में, वहां पर वो ट्रेन, पानी बहुत गहराई है, अभी देख सकते हैं आप कितने ऊंचाई से आप लोगों को दिखा रहे हैं। खूबसूरत नजारा है, ब्यूटीफुल प्लेस। करीब करीब हम लोग पुल के बीचों बीच आ गए हैं, आपको इस साइड आपको दिखाते हैं और दूसरी ओर आप देख सकते हैं संजय दत्त को है। प्योर लोहा से चढ़ा हुआ पुल, इस साइड का दर्शन भी आपको कराते जाते हैं। वो दो नदियां मिल रही हैं, लेकिन ये एक नदी कहलाती है नर्मदा नदी। ये साइड आप देख रहे हैं, इस साइड वो वाला नदी, वो अपने साइड से आ रही है, और ये एक्चुअली मेन नर्मदा नदी है। इस साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नर्मदा नदी आ रही है आपके इधर से नीचे होकर इधर नीचे जा रही है। यहाँ पे भी डिवाइड है लेकिन एक ही बना हुआ, आगे जाके मिलती है दोनों नदी। यहाँ पर बहुत अधिक गहराई है, गहराई का मुझे पता नहीं है लेकिन पानी के इस हरेपन को देख करके पता चलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था इस पुल के बारे में और इस नर्मदा नदी के बारे में। सुंदर जगह है और मौसम भी कितना खास है, देखिए ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंड, और ऐसे मौसम में यहाँ होना कितना अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं सुसाइड पॉइंट पर वो खड़ा है,